मैं भी सुन लूंगा आप सुन ले इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। छोटा सा भी इतना लंबा होता है स्कूल में जाना शुरू कर देंगे स्कूल में शायद तू भी स्कूल जाना शुरू करेगा। इंग्लैंड के साथ एक प्रोविंस है स्कॉटलैंड उसका नाम है और क्या है स्कॉटलैंड ये स्कॉच बार नहीं होता वो जो साबुन होता है स्कॉच बार वो जो है ना जी ये स्कॉटलैंड का वाकया है। स्कॉटलैंड के अंदर एक छोटा बच्चा होता है वो एक ना कुएं के अंदर गिर जाता है। अच्छा। तो स्कॉटलैंड अमेरिका के पास है तो उसमें कुआं है तो कुएं में बच्चा गिर गया जी वहां पे कुआं कुआं क्या कर रहा है कुआं तो यहाँ पे होता है ना चक में जी गाँव में वो मस्जिद वाली टंकी के पास तो अमीर अमीर मुल्क है अमीर शहर है हमारे यहाँ पे शहरों में कुआं नहीं है। 200-300 साल पहले की बात है 300 साल पहले भी मास्टर था तब स्कॉटलैंड नहीं था जी और तब भी मास्टर था क्या मास्टर भी बहुत पुराना है इसके साथ के पुरजे इसके खत्म हो गए जी आप देख नहीं रहे वहाँ पे एक बच्चा जो वो दो दिन और है इसलिए शाम बन जाना तो एक शख्स रात को बाहर निकलता है जब वो देखता है कि एक बच्चा जो वो कुएं के अंदर गिरा हुआ है तो वो उस बच्चे को बाहर निकालता है सुबह तक वो अपने उसको घर में रखता है सुबह उसको पूछता है कि बेटा तू कहाँ से और कौन है वो बच्चा वो अपना नाम बताता है वो कहता है जी फलां फलां मेरा वालिद है उसका जो वालिद होता है वो वहाँ का स्कॉटलैंड का नवाब होता है जिसे वहाँ पे नाइट कहते हैं नाइट हमारे यहाँ उसे डे कहते हैं तो वो नवाब सुबह आता है वो अपने बच्चे को ढूंढता हुआ उसके घर के बाहर आता है वो कहता जी जो गरीब आदमी वो कहता ये आपका बच्चा रात को कुएं के अंदर गिर गया तो गलत बात कर रहा है उस बच्चे के बाप का नाम था नाइट है ना जी नाइट था ना तो ये कैसे हो सकता है कि नाइट डे में आए आप कह रहे बच्चे के बाप दिन में आता है नाइट डे में तो नहीं आता नाइट नवाब को कहते हैं तो नाइट डे में कैसे आएगा वो नाइट रात वाला नहीं जो आप समझ रहे आप बात पहले सुनिए तो वो बंदा बाहर आता है तो उसके साथ उसका एक बेटा होता है वो गरीब होता है तो वो भी साथ तो उसका बेटा गरीब होता है बाप अमीर होता है तो नवाब है वो पूछता है कि जी ये आपका बेटा क्या करता है वो कहता है जी मैं भी मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ तो ये मेरा बेटा भी मेहनत मजदूरी करेगा और इसने क्या करना है तो वो नवाब उसे कहता है कि अगर आप इजाजत दें क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो मैं इस आपके बच्चे को स्कूल के अंदर दाखिल करवा दूं तो वो कहता है जी हम अपने बच्चे से फैसला करवाते हैं अगर वो स्कूल जाना चाहता है तो आप इसको स्कूल दाखिल करवा दें अगर वो नहीं जाना चाहता तो फिर आप रहने दो वो वैसे ही मजदूरी करता रहेगा अगर हम सुनना चाहते हैं तो आप सुना दें अगर हम नहीं सुनना चाहते तो जी आप ना सुनाएं ये तो मसला ही हल हो गया देखा जब वो बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा कहता है जी मैं स्कूल जाना चाहता हूँ तो नवाब क्या करता उस बच्चे को भी अपने बच्चे के साथ स्कूल में दाखिल करवा देता है जब वो बच्चा बड़ा होता है वो तालीम याफ्ता हो जाता है दोनों बच्चे बड़े होकर एक ऐसे जो है ब्रांड बनते हैं कि आप उनका क्या अंदाजा लगाएं एक बच्चा जो वो विंस्टन चर्चिल बनता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनता है और दूसरा बच्चा जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनता है। चर्चिल नहीं होता जी उत्तर उत्तर होता है उत्तर उत्तर चल यहाँ से उत्तर अब आप हिस्ट्री में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम नहीं भूल सकते क्योंकि मेडिसिन के अंदर इंकलाब आया है वो बंदा लेकर आया सूझ जाए ना तो वहां पे फ्लेमिंग होती है ये आप ये कर रहे सूझा हुआ बंदा नहीं उसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था अच्छा, वो एक साइंटिस्ट इसको सारी चीजों का पता है अपने घर का पता रखता नहीं है इसको ये अपने पता आज आप जितनी भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं पेनाडोल से लेकर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी पेनाडोल से याद आया कोई ऐसी गोली है जिससे मुंह बंद हो जाए एक गोली है जी और कौन सी गोली वो गोली ना इतनी सी होती है 9 mm की कहते हैं उससे इसका मुंह बंद हो गया इसका मुंह तो बंद कर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये चीज बावर कराई ये चीज इस चीज को प्रूव कराया कि आप लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये दुनिया आपके टैलेंट को कभी छुपा नहीं सकती। विंस्टन चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके उसका तो लोग नाम भूल सकते हैं लेकिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम जब तक दुनिया है उस वक्त तक लोग नहीं यार भूल सकते। इसकी बात तो चलती रहेगी। आप तू मुझे ये बता वो तू कह रहा था पाकिस्तानी भी आती है मैं अभी वही कहने लगा था ना उसका नाम भूल सकते हैं तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पे एक टीचर भी आती है मेरे अब्बा जी तो भूल सकते हैं सारी बातें आप तो नहीं भूल सकते ना जी टीचर तेरा अब्बा है क्या चीज थी तू बकवास करता रहता है मेरा अब्बा ना मेरा अब्बा वो नहीं होता जी वो जो बकरी होती है ना बकरी होती है तो बकरी के जो पीछे ऐसे ऐसे निकले दुम मेरा अब्बा वो था और तो अपने अब्बे को ऐसे कहता तेरे को शर्म नहीं आती तो मेरा तमाम जो यंग स्टूडेंट्स ऐसे जो सुन रहे हैं मुझे उनके लिए एक मशवरा एक सजेशन है अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सामने आए आप अपने टैलेंट को लोगों को प्रूव करें कि आपके अंदर टैलेंट है जिस तरह से एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक ऐसा बच्चा जो खुद पढ़ लिख नहीं सकता था उसने ये प्रूव किया कि मेरे अंदर टैलेंट है और मैं इस दुनिया के अंदर इनके इनकलाब ला सकता हूँ
तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी दुनिया को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन के दिखाएं। जा काम कर मास्टर, हमने नहीं दिखाना कुछ भी दुनिया को। शर्म हटी अब ऐसे चोर साहब ऐसे सबको दिखाते हुए है ना। हाँ हम क्यों दिखाएं? चौधरी साहब तालीम के बगैर इंसान अधूरा है। और वैसे ये चौधरी के बगैर इंसान को इंसान माना ही नहीं जाता। इंसान को अशरफुल मखलूकात किस लिए कहा गया? क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया क्योंकि वो जाके दुनिया में अल्लाह ताला की तखलीकात को रिसर्च करे, उन पे अपनी जो है वो रिसर्च कंप्लीट करके अल्लाह ताला की जो तखलीकात है उनको ढूंढे, नए रास्ते दरियाफ्त करे। और मैंने नहीं एक रास्ता दरियाफ्त किया था वो अपने पिंड को जाने वाला। मैंने एक बार छोड़ता हूँ, इसने कहा कि तालीम के बगैर तो इंसान को इंसान नहीं मानते। अब्बा अब्बा जहाँ पे नहीं अब्बा नहीं यार यार जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तो पैसे पैसे के बगैर इंसान को इंसान नहीं मानते ना। तो बड़ी परेशानी वाली बात है ना। तो तुझे तुझे तो कोई इंसान मानता नहीं है, इसको तो घर वाले इंसान नहीं मानते। हमारे पास पैसा है, हमें तो सारे इंसान मानते। ये गलत बात है, ये आपकी गलत फहमी है कि जो लोग हैं वो पैसे वाले को इंसान मांगते हैं। लोग आज भी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग मौजूद है जो तालीम याफ्ता लोगों को इज्जत देते। आप बाहर चले जाएं, आप यूरोप के किसी कंट्री में चले जाएं, वहां पे टीचर की इतनी इज्जत की जाती है जितनी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत। इज्जत तो लड़की का नाम नहीं था, कहते जो उसे इज्जत देते हैं। एक एक हमें भी ला के दे, एक इज्जत हमें भी दे यार। आपको क्यों रे जी, शादी तो हमने करनी है। मैंने शादी करनी है। चौधरी साहब ने शादी करनी है जी। चौधरी साहब तू चौधरी रहता नहीं है, मैं शादी करूं। आपको मेरे ख्याल में इज्जत का मतलब का पता नहीं क्योंकि आज तक आपको किसी ने इज्जत दी नहीं। हमने लेनी क्यों किसी की है ना, हमारे पास अपनी है। हाँ जी, हम क्यों किसी के लिए? अपनी इज्जत भी नहीं है ना। अपनी होती तो फिर आप कहते ना इज्जत किसी लड़की का नाम नहीं। इज्जत आपको पता नहीं इज्जत चीज क्या, आप बताएंगे इज्जत क्या चीज? चीज होती, चीज तो खाने वाली होती है। आपको नहीं पता जी वो चीज नहीं है, आपको नहीं कुछ पता। आप रहने दें जी, आप रहने दें, आपकी नहीं हमें सुननी। उस्तानी को बुला, टीचर को बुलाते हैं जी। क्या आज यार आज वैसे एक और मजा आएगा जी, मैं कहूंगा टीचर को। इधर एक सुबह सुबह फिर रहा था वो, एक क्या नाम है उसका, वो फीका, वो चर्ची अफीका चर्ची। वो नहीं जी, उसको नहीं बुलाना। क्यों? उसकी वजह से हमारे मोहल्ले के सारे सारे बंदे खराब हुए हैं। ऐसे ऐसे बैठ जाता है जहाँ पे। आपने बोले को तालीम क्यों नहीं दिलवाई? मेरे वाले साहब ने नहीं दिलवाई क्योंकि मेरे दादा बो ने नहीं ली थी ना। हाँ जी, वो यहाँ पे एक चौधरी का हुक्का भी हुआ करता था, वो चौधरी के साथ ही चला गया। और तूने उसको बेच तो नहीं दिया कहीं कमबख्त? आपको आपको कैसे पता कि जी उनका हुक्का होता था? और मैंने किसी से सुना है। मुझे लगता है आप वाकई याददाश्त से आपके अंदर है। और नहीं नहीं हमें बकवास ना किया कर, मैं तुझे बताया ना मैं तेरा यार हूँ। बस ठीक है। हाँ जी, तो आप मेरे यार हैं। तो मैडम मैडम किधर है? जाएं उठे यार, उठ के मैडम को बुला के लाओ। हाँ जी, और मैं एड्डा भी फ्री नहीं हूँ। तो आप यार की बात नहीं सुनेंगे? चौधरी नहीं सुनता है। आप कजार पिंड का चौधरी है जी। हाँ जी, 25 मुरब्बे जमीन है। साहब आप इस गाँव के कब से चौधरी बने? हाँ, मैं चौधरी हूँ ही नहीं। आपसे तो पूछा ही नहीं। तो मरासी आप कौन है? हाँ जी, ये मरासी है जी। ये दर बोला जी, पूछे ये चौधरी है। हाँ जी, आप चौधरी? हाँ, आप कब से चौधरी बने? हम बने हैं आधा घंटा हुआ जी। नहीं नहीं नहीं, आधी आधी सदी हो गई है। आधा घंटा नहीं हुआ, सदी हो गई है। हाँ जी, तो आपसे पहले चौधरी हुआ करते थे, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। मैं उनको जब भी कोई बात बताता था उनको समझ आ जाती थी। मेरे ख्याल में आप लोगों के तो मेरी बातें सर के ऊपर से। ऐसा तो हुआ ही नहीं जी, वो मेरे अब्बा जी थे जो आपके अब्बा जी थे, उन्हें बताओ के समझदार थे। किसी को अपने अब्बा का बताओ तो समझदार थे। ये तो कहता है वो भैंस जैसा था, वो जो इसका अब्बा था वो भैंस जैसा था। और क्या, वो आपका क्या लगता था? मेरा क्या लगता था? तेरा अब्बा आपका आपका कुछ भी नहीं लगता था। और ये क्यों कह रहा है तेरा कुछ लगता? अगर अगर आपकी तरफ से देखें तो आपकी तरफ से ये कह सकते हैं मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ये कह सकते हैं क्योंकि आप यार हैं और आपके साथ भी आप ही हैं ना अब्बा जी। और मैडम कब आएगी मुझको ये बता, मैंने शहर जाना है। मैडम मैडम को जी कब आएगी? मास्टर मैडम आ जाती होती है ना। हाँ, मैडम हम ना मैडम को याद करेंगे ना। ये भी ना मैडम का करके इधर देरी दफा हुआ आता है। कहते हैं कि ना जब जब किसी को याद करते हैं ना तो ना शैतान हाजिर हो जाता जी। मैडम शैतान है ना? नहीं नहीं, शैतान तो नहीं है वो उसने मेरा अब्बा खराब कर दिया जी। शैतान ही है तेरा अब्बा है। क्या चीज है, हर बार में तेरा अब्बा घुस जाता है। मेरा अब्बा जी वो नहीं होते, वो हिप्पो होते है ना, वो जो भैंस होती है बड़ी सारी, वो दरिया में होती है ना। मेरा अब्बा जी वो वैसे है। चौधरी साहब जी, मुझे कह रही है।
आप यादाश्त चली गई। वैसे मैं चौधरी हूँ नहीं, हाँ जी। अगर तू बार बार चौधरी कहती है तो मैं चौधरी बने जरूर जाऊंगा। तो ये चौधरी किधर जाएगा जी, जो पहले ऑलरेडी है। और तू चौधरी दफा हो आपका ना, इनका इनका ना पता क्या हुआ कि ये ना गिर गए थे तो ना इनके सर पे चोट लगी तो ना इनकी वो चली गई है, वो नहीं होती जिससे सब। और किसके सर पे चोट लगी, क्या बात करता है वाला साहब की बात कर रहा। बोले तू तो बहुत दुखी होगा ना। नहीं वो बहुत खुश है, बोला बोला बहुत खुश है। 25 मेरा भाई आ गया ना मैडम जी मेरे पास। मैडम अब एक बार ला नहीं रहा, 25 मुरब्बे हो गए तेरे पास। वैसे मैडम मैं दुखी भी हूँ एक बात से। किस बात से? मैंने सुना है आप जा रही हैं कल, आप दूसरे शहर जा रही हैं, आपका तो वो हो गया, वो नहीं होता। हाँ बोले मेरा ट्रांसफर हो गया है ना शहर में, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। बोला बोला ना आपको, आपको बहुत बहुत याद करेगा जी आप। तू आ जाया करी ना, बल्कि मैट्रिक वहीं से कर ली। इसका मैट्रिक नहीं होना चाहे, इसको चांद पे ले जाओ। आपको अब आया करेगा बोला, क्योंकि अब बोला चौधरी है ना, अब शहर आया करेगा। इनकी इनके ना इनके एक इलाज है मेरे पास। वैसे अब मैं आपको बताऊं इनका क्या? आपका ना वो हमारी हमारी ना भैंस जो है वो ना दूध देना बंद हो गई थी जी। फिर मेरी मेरी मम्मा अम्मा जी होते हैं ना जो अम्मा जी, वो गई थी उनके पास शाहजमाल के दरबार, वो तवीज़ लेने। वो तवीज़ के बाद ना भैंस ने ये 10 किलो देती थी ना, तो 20 किलो देने लगी थी दूध। आप भी जाएं उनके पास। बकवास बंद कर, मेरा को दूध देने का मसला थोड़ी है। मगर है तो भैंस ही ना। अब बोले बहन ने दूध ज्यादा कर दिया था या तूने पानी ज्यादा मिला दिया? बहन को भैंस को पानी ज्यादा पिलाया था हमने, मिलाते नहीं पानी, नहीं मिलाते हम। जब भैंस दूध पतला देती ना, फिर मेरी अम्मा का कहती है उसे दोबारा पिला देती है, कहती है अब ये गाढ़ा देगी जी। हाँ जी अच्छा। मुझे करती है। बोले शर्म कर, तेरा बाप है, तू अपने बाप के सामने अपने बाप की बेइज्जत करता जा रहा है। उसको बेइज्जत कर रहा है। करने देना उसे कौन सा पता है जी मैं उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। मुझे तो आपको आप दोनों को पता है ना, है ना? आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि जी ये चौधरी साहब हैं, इनके साथ कैसे कैसे बात करनी है। पता तो आपका तो नहीं हक बनता आप उसको बेइज्जत करें। ये इसने मुझे थोड़ा बेइज्जत किया ऐसे कर रहा। मास्टर अगर किसी को छितर पड़ रहे हो तो मैंने सुना है कि दरमियान में आने वाले को भी छितर पड़ते हैं। मास्टर तेरी ठेरी बात कर रहे हैं। बोले अब तो तू चौधरी बन गया, अब तेरा ब्याह कब होना है जी? अब मैडम जी इसको छोड़ो, ब्याह तो मेरा होना है। आप चुप करें जी, पहले चौधरी साहब आपने क्या ब्याह करना, अब तो अब यादाश्त भी नहीं रही। मैडम जी आपने कभी किसी को लाइव छितर पड़ते देखे हैं? अभी अभी चौधरी साहब देखे तो नहीं है मैंने, आज आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखना जी, मैं मारूंगा इस बच्चे के, इसी ये जो खराब। मैडम जी आज आपने छितर पड़ते हुए देखने हो तो जरा 2 मिनट बैठ के हौसला कीजिएगा। अच्छा बोले अब मैं चौधरी किसे कहूँ, इससे ये तुम्हें मुझे कह जी, जो लेटा हुआ है, जो लेटा होता है वो चौधरी होता है, जो चौधरी होता है वो ना वो लेटा रहता है। मैडम जी आपको एक और पता है, चौधरी साहब को क्या कहूँ? चौधरी साहब को ना आप मैयुद्दीन क्या नाम था तेरा? वो मैं बताता हूँ, सबर कर। मुझे लगता है इसे सब पता चल गया। और मास्टर वो तूने बताया था ना मेरे को, मेरा हुक्का एक बंदा बेच के आया सुबह सुबह। हाँ जी तो वो बस वो मेरे पास ही है, तू समझ तो ले। बस अब मैं उदेतरों की तैयारी करने वाला। तुझे क्या हो गया है? चौधरी को तेरा हुक्का भी बेच है, तेरे कपड़े भी बेच है, तेरे जूते भी बेच है, वो तुझे भी बेच देगा। नहीं जी इनको कोई लेटा नहीं है। हाँ जी मुझे ना मुझे मैडम जी तो तू तो मेरा यार है, बैठ तो सही। आप उधर हाथ रखे ना जी। तो यार नहीं है मेरा। नहीं, मैं यार हूँ, मैं कुछ यार हूं। यार कहीं जाने नहीं ना, अब तू मेरी बात सुन के जाना है ना। मैं कह रहा हूँ शीत ना होके बैठू ना। तूने कभी इंसान को कुकड़ बनते देखा है? नहीं नहीं, आज मैं तुझे दिखाऊंगा कुकड़ खाते देखा है। आपके साथ बैठ के बात करता तू मेरी बात नहीं। मेरा यार है ना, इसको मैं अभी यार इसको मैंने दिखाना है, कुकड़ बना के दिखाना है। भारी तेरा हाथ है बिल्डिंग जैसा, इसे उधर रखना अपनी लत पे। अभी तू मेरा यार है तो मैं तेरे को सारा कुछ बताऊंगा ना। बोले ना तो शहर आना मैट्रिक करने। वो इसको मैं अभी चांद पे भेजने वाला हूँ। नहीं जी चांद पे तो वो गया था नहीं, वो नीले रंग का एंगस्ट्रम। बस अब तू भी जाएगा? नहीं नहीं बोला जी, बोला चौधरी है ना तो बोला शहर। और मेरा जो लिटर है ना ये स्पेसशिप में ले जाता है तुम्हें। नहीं जी आप स्पेसशिप में ना आप मुझे ना वो वाली शिप पे भेज दे, वो वाली। वो तुझे को सारी जगह भेजूंगा, तू सबर तो कर। अच्छा अच्छा हाँ तो उधर करे ना। चौधरी साहब क्या हो गया जी? मैं इसका भी यार हूँ तो मैं इसको कुकड़ बनाऊंगा। चौधरी साहब आप इसका क्या इंजन साफ करने लगे क्या? बस अब तो तू देख तो सही। चौधरी साहब आपकी तो यादाश्त नहीं है, तो आपको मार धाड़ अभी भी याद है क्या? काफी दिन हो गए इसकी ट्यूनिंग भी नहीं, इसका मोबाइल भी नहीं चेंज हुआ हुआ। मास्टर भी देख तेरे खिलाफ है। मास्टर खिलाफ नहीं है, जा इस मास्टर को पैसे नहीं मिले ना इसलिए। अब तू मास्टर को भी पैसे देता है क्या? हाँ जी इनका हिसाब किताब करो। और उसके अलावा मैडम, मैडम आपसे 2 मिनट आप चुप करेंगे। मैडम आपने आपने कब जाना है जी? हाँ जी मैं बस इसी हफ्ते जा रही हूँ, तुझसे तो मिलने आई थी मैं। चौधरी साहब से भी मिलना था पर वो तो अब चौधरी नहीं रहे ना। मैडम जी आप सब्र करो, 2 मिनट की बात है, चौधरी भी आ जाएगा।
और मैं आपको खुद शहर छोड़ के आऊंगा अपनी जीप में। ये चौधरी साहब छोड़ के आएंगे अपनी जीप में, आपके पास तो जीप नहीं है। हाँ जी, और मास्टर से मोटरसाइकिल मांग लेंगे। नहीं नहीं, बोले कि जीप सही है, मोटरसाइकिल पे बहुत गर्मी लगती है, पहले मेरा रंग काला होता जा रहा है। बोले के पास कौन सा पजारो है? पजारो नहीं है। और ये तो खोती रेडी पे बैठ के कल, और ये तो खोती रेडी पे बैठा कल कह रहा था कि मैं मर्सिडीज पे जा रहा हूँ। ओपन ओपन आपको कैसे याद है ये कल कहाँ गया था? क्योंकि वो खोटा रेडी ये चला रहे थे जी। हाँ जी, मैं कहता हूँ नहीं थी,